गाइस, स्टेनो लर्निंग में आपका बेहद स्वागत है। आज का हमारा लेसन कॉन्सोनेंट में टॉपिक है जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स का। कैसे हम हमारे स्ट्रोक्स को कैसे हम जॉइन करेंगे। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कैसे क्या हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं कॉन्सोनेंट टेबल में, बट अब हम उनकी जॉइनिंग्स पढ़ेंगे कैसे हम उनको जॉइन करेंगे। Joining of strokes. Now you have practiced all the consonants of the Pitman system of shorthand. आपने practice कर ली है consonants की जो हम पढ़ रहे हैं Pitman system shorthand पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें जो भी हमारे consonants है उसकी हम अच्छे practice कर चुके हैं हमारे consonant table की class में। Like other system of writing, the next step of learning shorthand is the joining of consonant strokes. जैसे हम किसी और स्क्रिप्ट में या किसी और सिस्टम ऑफ राइटिंग में करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है शॉर्टहैंड लर्निंग का, कॉन्सोनेंट्स जो हमारे हैं कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हैं उनकी जॉइनिंग का। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग दी वर्ड्स। जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स की जॉइनिंग बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होगा हम वर्ड्स बना पाएंगे। ठीक है, जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स मीन्स टू राइट टू और मोर कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स टूगेदर विदाउट लिफ्टिंग दी पेन और पेंसिल। जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स का मतलब क्या है कि एक दो और दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स को जॉइन करके एक साथ लिखना बिना पेन और पेंसिल को मूव करे लिफ्ट करे, यह है हमारा जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स कि राइट टू और मोर कॉन्सोनेंट्स स्ट्रोक्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग दी पेन और पेंसिल। ये था हमारा जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज हमारी जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे इसके रूल्स के बारे में, स्ट्रोक्स के जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स का रूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही था जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स का चैप्टर, जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स का टॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी रूल्स फॉर जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक। That's all for today. And lastly, please subscribe to Steno Learning and like it, share it as much as you can, and also press the bell icon ताकि आपको आने वाली videos की हर एक notification time पर मिलती रहे। Thank you. Have a nice day.